हरे कृष्ण। लॉजिकल गीता की 19th वीडियो में आपका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज का हमारा प्रश्न है, क्रोध कैसे प्रकट होता है, गुस्सा क्यों आता है? नेचुरली जब हम इसके रीजन पर जाएंगे तो शायद हम सल्यूशन भी फाइंड आउट कर पाए। तो उस दृष्टि से आज का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि क्रोध कैसे प्रकट होता है, भगवद गीता में क्रोध के बारे में क्या लिखा है। भगवद गीता दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में इसके बारे में बता रहे हैं कि ध्यायते विषयां पुंस संगतेषूपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्यों की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। परम भगवान श्री कृष्ण हमें क्रोध के बारे में इस श्लोक में बता रहे हैं और इसमें अगर आप देखें तो मैंने प्रयास किया है कि स्टेप बाय स्टेप एक पर्टिकुलर अक्षर को बोल्ड किया है ताकि हम स्टेप्स को समझ सकें, गुस्सा आने के स्टेप्स। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि सबसे पहले होता क्या है कि इंद्रिय विषयों का चिंतन आता है मन में, यानी हम कोई चीज खाने की सोचते हैं, कहीं जाने की सोचते हैं, कोई ऐश करने की सोचते हैं, कुछ एंजॉय करने की सोचते हैं। सोचने में कोई बुराई नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम कुछ भी एंजॉय करने का सोचते हैं, खाने का सोचते हैं, सोने का सोचते हैं, संग करने का सोचते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो उससे कई बार उस विषय में हमारी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। यानी अगर हमने वो चीज़ सोची और वो चीज़ हमें आराम से मिल गई, तुरंत ही मिलनी थी, माना ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर शायद क्रोध नहीं प्रकट होता, रादर प्रसन्नता भी प्रकट होती है। हमने किसी चीज़ को सोचा और अभी उसको मिलना है, समय है, अब हम दिमाग में उसकी कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ ऐसे होगी, और उसके बाद क्या होता है कि फिर हमें उस चीज़ से अटैचमेंट होने लगती है कि हाँ ये तो ऐसे होना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आराम से बैठे हुए, घर में किसी दोस्त का फ़ोन आया, चलो घूमने चलते हो, और मुझे लगा कि हाँ, मतलब तब तक वो दिमाग में था भी नहीं, आइडिया भी नहीं था तब तक, लेकिन अब आइडिया आ गया है तो दिमाग में वो चीज़ पलने लगी कि हाँ भाई चलते हैं। अब घर में मान लेते हैं कि कोई भी माहौल है, या मान लेते हैं अभी हम अपने पेरेंट्स से पूछ के जाते हैं, उन्होंने मना कर दिया, या हम मैरिड हैं, वाइफ ने कोई और लॉजिक दे के मना कर दिया, हो सकता है कि तब तक एक दो फोन और आ जाए दूसरे फ्रेंड्स के, हाँ भाई चलना है, और हमारे दिमाग में आने लगे कि भाई जाना है, कुछ भी कर लो जाना है, और फिर अगर हम नहीं जा पाएंगे तो ऑब्वियसली क्रोध प्रकट होगा। कोई चीज़ खाने की बहुत इच्छा है, पीने की बहुत इच्छा है, कोई भी इच्छा, किसी भी चीज की इंजॉय करने की जो इच्छा है, अगर वो इच्छा हमारी पूरी ना हो और उसमें अगर हम अटैच हो चुके हों, आसक्ति उत्पन्न हो चुकी हो, और आसक्ति से काम, काम का मतलब क्या है, उस चीज की एक्सट्रीम अटैचमेंट, आसक्ति फिर भी लो स्टेज है, काम और तीव्र इच्छा, यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड ना। तो अगर किसी चीज को पाने की, किसी सिचुएशन में जाने की हमें बहुत जबरदस्त इच्छा हो चुकी है तो फिर हमें क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, है ना। इसको मैं एक और दृष्टि से डिस्कस करना चाहता हूँ। क्रोध के तो अनेक अनेक कारण हो सकते हैं, ये जो इंद्रिय विषय हैं इसके तो अनेक अनेक कारण हो सकते हैं, उनमें से एक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है सम्मान, रिस्पेक्ट। कई बार जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे को इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, किसी की शादी में जाते हैं तो हमें लगता है कि भाई वहाँ तो सब हमारे ही पूछेंगे, सब जगह हमारी फोटोएं खिंचवाई जाएंगी, सब जगह हमसे पूछा जाएगा, खासकर जिन लोगों की उम्र थोड़ी सी ज़्यादा होती है, कई बार वो ऐसा सोचते हैं, और सोचना भी बनता है, लेकिन वही बात है ना, इंद्रिय विषयों का चिंतन, ये भी इंद्रिय विषय है कि हमारे को इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, लोग हमारा हमारे गले में माला डालेंगे, या हमें पहले तिलक करेंगे, हमें खाने के लिए पूछेंगे, ये होगा वो होगा, बड़ी हम एक इंजॉय करने की बड़ी जबरदस्त फीलिंग बना लेते हैं, वो भी अपने आप में एक इंजॉयमेंट है कि हाँ जी हमारे को VIP ट्रीटमेंट मिलेगी, या फैमिली फंक्शन ना हो, कोई और पब्लिक इवेंट हो सकती है जिसमें हम ये सोच के जा रहे हो कि हमें बड़ा सम्मान मिलना है एंड ऑल दैट, और वहां पर कई बार भीड़ की अफरा तफरी में या कोई मिसमैनेजमेंट की वजह से आपको वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती जिसके आप ख्वाब लेके जा रहे हैं या जिस तरह की आप सोच लेके जा रहे हैं। तो होता क्या है कि जब हम जा रहे हैं तो पहले हमने सोचा था कि हम इस तरह से वहां इंजॉय करेंगे, फिर उसमें अटैचमेंट हुई, फिर एक तीव्र इच्छा मन में डेवलप हो चुकी थी कि यस आज हम जाएंगे और इस तरह से होगा, और वहां ना हो उस तरह से। या अब जैसे कई बार होता है कि मतलब छोटी छोटी बातें ही हैं कि किसी को स्टेज पर बुलाया ही नहीं गया,
कोई आदमी गया, उसको लग रहा था कि मुझे स्टेज पे इनवाइट करेंगे, नहीं किया, माला उसको पूरी डालनी थी, वो माला नहीं डाली। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि इससे फिर क्या होता है, क्रोध प्रकट होता है। मतलब मैं ज़्यादा डिटेल, आप पता है, मैं इस एक्सप्लेनेशन को लेता ही नहीं हूँ, 5 से 6 मिनट में हम वीडियो ख़त्म करते हैं। तो मुख्य बात मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी इंजॉयमेंट को जब हम अपने दिमाग में विजुलाइज करते हैं और फिर उससे अटैच हो जाते हैं, तो और उसके पूरा नहीं होने पर हमें क्रोध होता है। जिस तरह से हम चाहते हैं, कई बार वो चीज़ पूरी भी हो जाती है, लेकिन जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से ना हो तो भी क्रोध होता है। तब क्रोध से बचने का उपाय क्या है? यही है कि किसी भी सिचुएशन में अगर आप इंद्रिय विषयों का चिंतन कर भी रहे हैं तो उसमें आसक्ति उत्पन्न ना करें। आप एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन शांत रहें, धीर रहें, अपनी लिमिट्स में रहें। आप ये सोचें कि भाई भगवान की कृपा से जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ अगर मुझे मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, तो फिर क्रोध प्रकट नहीं होगा। नहीं तो क्रोध प्रकट होने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो कुल मिलाकर एक लाइन में, एक शब्द में, क्रोध का इलाज क्या है? क्रोध का कारण क्या है? इंद्रिय विषयों का चिंतन। और क्रोध का इलाज क्या है? इंद्रिय संयम। यही बस मैं कहना चाहता हूँ, इंद्रिय संयम, ये क्रोध का इलाज है। हरे कृष्ण।